क्रिसमस की आज देश भर में धूम मची हुई है। लिहाजा इंदौर जिले के रेड चर्च में भी क्रिसमस की लोगों में धूम देखने को मिली है। ईसाई समाज के द्वारा बड़ी संख्या में एकत्रित होकर शहर के रेड चर्च में कैंडल जलाकर भगवान यीशु से प्रार्थना की और नया साल अच्छा हो उसकी कामना की। इस मौके पर जब रेड चर्च के फादर से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि क्रिसमस वैसे तो ईसाई धर्म के लोग मनाते हैं, लेकिन दूसरे धर्म के लोग भी खुशी खुशी इस त्यौहार को उत्साह से मनाते हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंदौर शहर के रेड चर्च में। आज क्रिसमस का मौका है, साथ ही आज से न्यू ईयर की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। जीसस क्राइस्ट के बर्थडे पे आप मेरे पीछे लोगों को देख सकते हैं कि कितने काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आज क्रिसमस के इस मौके पर हम यहाँ पर मौजूद लोगों से जानते हैं कि उन्होंने क्या स्पेशल किया है इस क्रिसमस पे और न्यू ईयर पे क्या स्पेशल करने वाले हैं। क्रिसमस का मौका है, जानते हैं स्पेशल गेस्ट से कि वो इस बार उन्होंने इस बार इस क्रिसमस पे क्या खास किया है। सर, आपको क्रिसमस यहाँ पर रेड चर्च में आके सबसे पहले कैसा लगा? यहाँ रेड चर्च में आके हमें बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ का डेकोरेशन कैसा लगा? यहाँ का डेकोरेशन बहुत अच्छा, ऑसम डेकोरेशन है पूरा यहाँ का, इतना बहुत अच्छा लग रहा है। हम चारों अपने ना अपने जो ड्यूटी थे वहाँ से बंक मार के यहाँ पर आए हैं जीजस के दर्शन करने के लिए, और यहाँ आके इतनी खुशी हो रही है, इतना खुशी मिल रही है हमको कि जीजस सबको ही इतनी खुशी दे जितनी खुशी हमको आज यहाँ आके मिल रही है। तो जीजस सबको ही इतनी खुशी दे, आई होप कि सबको इतनी खुशी मिले जो यहाँ पर आए, उनको विशेष मिले, बेस्ट विशेष सबके लिए मेरी तरफ से भी और आप लोगों के लिए भी, कि जीजस की बेस्ट विशेष सभी को मिले। मेरी क्रिसमस, हैप्पी मेरी क्रिसमस। जो क्रिसमस है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीसस क्राइस्ट हैं, वो अपने खुशी वाले अपने लोगों के लिए सूली पर चढ़ गए थे, उनको सूली पर चढ़ा दिया गया था। तो हम भी वही सोच रहे हैं कि हम भी अपने समाज के लिए कुछ करें, कुछ अच्छा करें समाज के लिए, इसलिए हम यहाँ चर्च रेड चर्च में आए हैं। तो बहुत सुंदर लग रहा है, रेड चर्च बहुत अच्छा लग रहा है हमें। थैंक यू। जैसा कि आप लोगों को पता है, हाँ जैसा कि आप लोगों को पता है कि जीसस क्राइस्ट ने हमेशा लव इज़ गॉड, गॉड इज़ लव की परिभाषा हमें सिखाई है। तो हमको भी यही चाहिए कि हम भी लव ही बांटें और लव ही प्राप्त करें, क्योंकि लव बांटेंगे तभी हमको प्रेम प्राप्त होगा। तो लव इज़ गॉड, गॉड इज़ लव। थैंक यू। इसका मौका है, आइए रेड चर्च के फादर से जानते हैं इस क्रिसमस के बारे में, उन्होंने इस बार क्या स्पेशल किया है। फादर, आपने इस बार क्रिसमस में क्या स्पेशल किया है? क्रिसमस जो हमारे लिए प्रभु यीशु का, यीशु मसीह का जन्मदिन है, और हर वर्ष के समान हमने जाकिया बनाए हैं, हमने बहुत से तारों को लगाए हैं, सजावट आप देख सकते हैं। ये एक पारंपरिक तरीके से हम क्रिसमस हर वर्ष मनाते आए हैं, और इस बार इंदौर शहर में हमारे कैथलिक समुदाय में ये संकल्प लिया है कि हम स्वच्छ क्रिसमस मनाएं, जिसका मतलब ये है कि हम पूरे गौशाले में, हमारे झाकियों में प्लास्टिक ना रहे, थर्मोकोल ना रहे, प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी चीज़ को उपयोग ना करें। तो उसी प्रकार का गौशाला हमने बनाए, आप देख सकते हैं, और हमने उसका पूरा ध्यान रखा है। और हम ये संदेश देना चाहते हैं पूरे समाज को, विशेष रूप से इंदौर शहर के निवासियों को, कि हम इस प्रकार की चीज़ों का उपयोग कम करते जाए और हमारे शहर को, हमारे कैंपस को स्वच्छ बनाए रखे। और मेरे सुनने वाले सभी श्रोताओं को क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सो मच फादर, आपको भी मेरी क्रिसमस। क्रिसमस का मौका है और मेरे साथ कुछ ब्यूटीफुल लेडीज मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं क्रिसमस पे क्या स्पेशल किया है इन लोगों ने। आपने इस पर स्पेशल क्या किया है क्रिसमस पे? क्रिसमस पे स्पेशल तो कुछ नहीं, बस अभी तो आए हैं स्पेशली घूमने के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद से, बहुत शांति सी। अच्छा, आपको यहाँ का डेकोरेशन कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है यहाँ का। एक बार आप लोग सब मैरी क्रिसमस बोल देंगे जोर से? मैरी क्रिसमस। थैंक यू। क्रिसमस का मौका है, आइए जानते हैं यहाँ पर जो ब्यूटीफुल कपल्स आए हैं उनके साथ उनके जो छोटे छोटे बेबीज भी हैं। सर, आपको कैसा लग रहा है क्रिसमस? बहुत बढ़िया, खुशी का त्यौहार है। अच्छा, यहाँ का डेकोरेशन कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर, बहुत। मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा लग रहा है, चर्च को बहुत सुंदर सजाया गया है, और एक चारों तरफ एक रेड 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 सब, बहुत अच्छा क्रिसमस का फील हो रहा है। हम लोग यहाँ से नहीं है, हम लोग बेसिकली कलकत्ता से है, तो अभी जॉब के सिलसिले में यहाँ पे रहते हैं, तो फर्स्ट टाइम इंदौर में देख रहा हूँ चर्च क्रिसमस मनाने आया है। इसका मतलब न्यू ईयर भी आप इंदौर में ही मना रहे हैं? एकदम। आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर और मैरी क्रिसमस। अच्छा, आप लोगों को यहाँ पे आके कैसा लग रहा है?
मैरी क्रिसमस। आई फील वेरी बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहां पे। ऐसा लग रहा है कि हम गोवा में एक्चुअली सेंट बेसिली बहुत एंजॉय हो रहा है, अच्छा लग रहा है। इस बार न्यू ईयर पे क्या स्पेशल है आप लोगों के लिए? अभी तो कुछ ऐसा सोचा नहीं, बाहर पार्टी करने का प्लान कर रहे हैं एक्चुअली, ऐसा नहीं है भाई रिजॉर्ट वगैरह में, सो होपफुली इधर पास में। एक्चुअली हम बाहर से हैं तो यहाँ पे इंदौर घूमने आए थे। कहाँ से हैं आप लोग? हम हैं भोपाल से। थैंक यू। दोस्तों रेड चर्च के बाहर हम लोग खड़े हैं और हमने यहाँ पर आए मौजूद लोगों से यह भी जाना कि उनको क्या कितना अच्छा लग रहा है इस क्रिसमस के मौके पर, और हमने ये भी जाना कि उन्होंने क्या स्पेशल किया है इस क्रिसमस पर। इसी के साथ हमारी पूरी KNN टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर एंड मैरी क्रिसमस। इंदौर से भारती व्यास की रिपोर्ट।